तो ये है हमारे दांतों की बनावट। राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हो सर, हम बंदर छाप लाल तन मंजन तो यूज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आप सब हमें बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत ढेर सारा कमेंट आ रहा है कि मैं क्या करता हूँ, मतलब अपना अमेरिका आप क्या करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अपना अमेरिका कौन सी जॉब करता है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो क्या करते हैं, जो भी करते हैं आप नीचे कमेंट करके बताइए कि मैं क्या करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आप सबको नए साल की बधाइयाँ, और बहुत शॉर्ट में, बहुत छोटे में, बहुत चंद शब्दों में, हर नए साल पे आप सब अपना प्रस्ताव ज़रूर बनाएं, और उस प्रस्ताव में आप छोटी छोटी चीज़ लिखें। आप वो सोचें कि मुझे ये चीज़ करना है नए साल में, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, और उसको पालन करें, और हम भी पालन करेंगे। हमारा नया प्रस्ताव है, ये हमारा पेट कम करना है ना। अगले 6 महीने में आप सब हमसे पूछिएगा कितना मेरा पेट कम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप 1 साल के लिए सोचेंगे तो 6 महीना तो चलेगा, 6 महीना सोचेंगे तो 1 महीना तो चलेगा ही चलेगा। तो कहानी शुरू हुआ यूँ कि मैं 2009 में आया था, और 2019 चल रहा है, तो 10 साल हो गए मुझे आए। ठीक है, और जिस वीज़ा से मैं आया था उस वीज़ा का नाम है J1 वीज़ा, और जिस पोस्ट में मैंने ज्वाइनिंग की थी उस पोस्ट का नाम था पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो। तो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो क्या होता है कि पोस्ट मतलब बाद में, डॉक्टोरल मतलब PhD, PhD के बाद में जो आप जॉब पे अप्लाई करते हैं उसको पोस्ट डॉक्टोरल। ठीक है, तो मैंने PhD कर रखी है, मैंने PhD इंडिया से किया था, उसके बाद मैं यहाँ किया था। ठीक है, और पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलोशिप पे फेलो पे मैंने जो है 5 साल तक जॉब किया, और तो अब मैं आपको कुछ बताऊँ। तो जो पोस्ट डॉक्टोरल फेलो की जो लाइफ होती है बहुत टफ होती है, इतना टफ कि आप समझ लो कि आपको फिजिकल मेंटल हर तरीके से आपको काम करना पड़ता है। मॉर्निंग में 9 बजे से लैब खुल जाती है, उसके बाद आप वापस कब आओगे कोई गारंटी नहीं है ना। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 में 3-3 बजे रात तक लैब में रुक के काम किया है ना। तो लाइफ जो मैंने वो जिया है 5 साल 6 साल तक, वो बहुत टफ थी मेरे लिए, बहुत मैंने मेहनत किया है। और जब आप घर आते हो तो घर पे भी आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ती है, जो बाकी बचे हुए काम होते हैं जो उसको लिखना होता है ना, तो वो आप घर पे आके करते हैं। और जो सैटरडे संडे यहाँ पे 2 दिन छुट्टी होती है, लेकिन वो 2 दिन भी हम सब जो है लैब में ही मैं बिताता था। और इसके ऐसा भी नहीं कि हम अकेले थे, तो मेरी वाइफ थी और मेरे 2 बच्चे हैं, पहले पहला बच्चा हुआ, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा हुआ उसी पोस्ट ऑफ के दौरान जब मेरा पहला जॉब लगा था, है ना। तो ये मिला जुला के मतलब मेहनत का काम तो है ही है, मतलब बहुत मेहनत का काम है, और बहुत लोग हार जाते हैं, और मैं भी मतलब स्ट्रेस में मैंने जिया है 1-1.5 साल तक, ऐसा नहीं है, है ना। बहुत टफ था हमारे लिए, और हम किसी तरीके से मतलब वहाँ से उबर के बाहर निकले हैं। और रिसर्च में क्या होता है कि जो भी आप रिसर्च करते हो तो उसका जो रिजल्ट होता है ना, वो चीज़ आपको रिसर्च जो जर्नल होते हैं, रिसर्च पत्रिकाएं जो होती है उसमें छपता है कि आपने क्या रिसर्च किया है। तो वो पत्रिकाएं वो एक तरह से आपका सर्टिफिकेट होता है कि आपने क्या काम किया है ना, वो आपको बताता है। आपको मुंह से बोलने से कोई मानता नहीं कि आपने क्या रिसर्च किया है। तो जो आपके पत्रिकाएं में, जो आपकी साइंस जर्नल में जो आपकी छपती है, उसको हम साइंस रिसर्च पेपर बोलते हैं। तो उसमें भी मैंने काफ़ी मेरे पेपर हैं, पब्लिश्ड हैं। और अगर आप पबमेड, वाह कहाँ मिला, तो उसको बोलते हैं, अगर आप pubmed.com पे आप आर चंद्रा करके सर्च करोगे तो उसमें मेरे सारे पेपर आप देख सकते हैं, जो भी अब तक मैंने जो डिस्कवरी कर रखी। उसके बाद हमको प्रमोशन होकर रिसर्च एसोसिएट मिला। रिसर्च एसोसिएट क्या होता है कि उसको उसमें मैं, मेरी रिस्पांसिबिलिटी थोड़ा सा और बढ़ जाती है कि मैं अपने साथ साथ दूसरों को भी साथ में ट्रेनिंग दूँ, उनको भी सिखाऊँ। तो यहाँ के हाई स्कूल के बच्चे, इंटरमीडिएट, BSc, MSc के सारे जो बच्चे समर में, विंटर में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आते हैं, उनको भी सारे सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और रिसर्च एसोसिएट में से लगभग 3 साल तक था ना, 3 साल तक था।
उसके बाद मैं जो है अब मैं जब जनरली जो पोस्ट डॉक का रिसर्च होता है वो 5 साल तक का ही होता है ना। उसके बाद मैंने 1.5-2 साल तक, मैंने 3 साल तक मैं रिसर्च एसोसिएट था, तो 8 साल हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, आप वहाँ रुक नहीं सकते, क्योंकि उसके कई कारण हैं कि पोस्ट डॉक्टोरल कोई जॉब नहीं होती है, वो एक तरह से ट्रेनिंग होती है, यू हैव टू मूव ऑन। तो आप जहाँ आप काम करते हैं वो आपको फायर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, इसके बढ़िया है कि आप खुद से ही अपना ढूंढ लो आगे क्या करना है लाइफ में। तो सब अपने अपने हिसाब से जॉब ढूंढ लेते हैं। तो मैंने जिस यूनिवर्सिटी में था मैंने उनको एक काम प्रपोज किया, मैं एक छोटी सी कंपनी खोला है ना, अपने यूनिवर्सिटी मैंने समझाया कि मैं एक छोटी सी कंपनी आपके यूनिवर्सिटी में खोलना चाहता हूँ, ठीक है। और वो कंपनी है वायरस वेक्टर कोर और जीन थेरेपी इस तरह से काम करती है। तो उसका मैं डायरेक्टर बन गया, मैंने मेरा प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करना मेरे लिए बहुत टफ था। वो 2 साल लगते हैं मुझे उनको मनाने में, और फाइनली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और कंपनी मैंने छोटा सा खोल लिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उस कंपनी का मैं मालिक हूँ, मतलब डायरेक्टर हूँ। और जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो कंपनियाँ होती हैं, जो बाहर कंपनी होती है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो हमारी जो छोटी कंपनी है वो यूनिवर्सिटी सारा पैसा पे करती है, अब जो भी आपको सामान चाहिए सब यूनिवर्सिटी ही पैसा लगाती है, और मैं सिर्फ सैलरी बेस्ड रहता हूँ। उस कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो, हमको सिर्फ सैलरी मिलेगी। जो भी फ़ायदा होता है उसका जो पैसा होता है, वो पैसे से हम सामान ही खरीद सकते। तो बस यही है मेरा जॉब, यही मेरी ज़िंदगी, और बाकी अब चल रही है। अगर आपके प्रश्न मन में और भी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं काफ़ी एक घूंट पी लूँ। ओ और कुछ मैंने सोचा, बहुत कुछ था बोलने के लिए, मैं भूल गया। फिलहाल इसी तरह हमारा वीडियो देखते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है, आप सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे चिंता के परे था, है ना, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और मुझे भी अब थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है काम करने के लिए, कि आप सबको मैं इसी तरह से बहुत अच्छे वीडियो बना के दिखाऊँगा। और सच पूछे तो जब भी मैं अमेरिका में आया था तो मेरे अंदर भी बड़ी जिज्ञासा थी, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरे अंदर भी बड़ी जिज्ञासा होती थी कि यहाँ के लोग की लाइफ, ज़िंदगी, एग्रीकल्चर, खास तौर पे एग्रीकल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाऊँ मिलूँ बात करूँ, तो वो चीज़ मैं कवर करने की पूरा कोशिश करूँगा और आप सबको दिखाऊँगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिसर्च, बाय बाय।